गुजरात में कुछ ही महीनों में चुनाव है और पिछली बार भी मैं चुनाव के समय आया था और हम बीजेपी के खिलाफ लड़े थे। उस टाइम मीडिया का कहना था कि कांग्रेस पार्टी तो लड़ ही नहीं सकती, याद है आपको? याद है, दो तीन महीने के अंदर वही मीडिया कह रही थी कि भैया यहाँ पे तो मतलब लड़ाई हो गई। और चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी वाले तो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, बीजेपी वाले भी कहने लग गए कि प्रॉब्लम हो गई, सरकार बन सकती। तो सबसे पहली बात, अगर हम कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, अगर हम भरोसे से काम करेंगे, नतीजा एक तरीके का आएगा। अगर हम मायूस होकर काम करेंगे, डिप्रेस होकर काम करेंगे, नतीजा दूसरा आएगा। आपके हाथ में है, बीजेपी के हाथ में नहीं है। चुनाव जीतना आपके हाथ में है। अगर आपने मन बना लिया कि हम चुनाव जीतेंगे, आपको कोई ताकत नहीं हरा सकती। और इनका इनका पूरा सिस्टम यह है, मीडिया का सिस्टम, कि आपको आपके दिमाग में यह सवाल उठा दे कि भैया कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकती, आपके दिमाग में यह सवाल उठ जाए। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों को मन बनाना है। जो माहौल पिछली बार था उससे बेहतर माहौल आज है। नरेंद्र मोदी जी ने इकोनॉमी को सत्यानाश कर दिया, खत्म कर दिया। गुजरात छोड़ो, हिंदुस्तान में युवा को रोजगार नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता, और ना आज ना कल, क्योंकि जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, उनको नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके उनको खत्म कर दिया, और वो गुजरात की स्ट्रेंथ हुआ करती थी, गुजरात की शक्ति हुआ करती थी, वो सब खत्म है। तो ये लोग चाहे भी ये रोजगार नहीं दिलवा सकते। दूसरी बात जो मैंने भाषण में बोली, जो आदिवासियों का है, उनकी उनका जल, जंगल और जमीन, वो उनसे ये लोग छीन रहे हैं। हर आदिवासी को मालूम है कि उसे लूटा जा रहा है और उसके भविष्य को खत्म किया जा रहा है, सबको मालूम है। और हमारा काम, हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, उनके पास जाने का है, उनके बीच में जाने का है। इसीलिए हमने ये आंदोलन तैयार किया है। इसका लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ के घरों में जाके, गांव में जाके उनके साथ जुड़े और जो उनके मुद्दे हैं उनके लिए लड़े। और बहुत सारे चिन्ह, सिंबल्स नरेंद्र मोदी ने दे रखे हैं। ये जो रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट है, ये एक चिन्ह है। ये जो इन्होंने मूर्ति बना रखी है, ये दूसरा चिन्ह है। जब आदिवासी इनके बारे में सोचता है, इनकी ओर देखता है, कहता है भैया ये जो बना है हमारे भविष्य को नष्ट करके बना है, हमारे हमारी जिंदगी को बर्बाद करके बने हैं ये, और इन चीजों से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, वो सब जानते हैं। तो इस आंदोलन में चाहे हमारे सीनियर नेता हो, जूनियर नेता हो, मिडिल रैंक के नेता हो, सबको जाना पड़ेगा, सबको गांव गांव में जाना पड़ेगा। और ये हम गारंटी दे रहे हैं आदिवासियों को, हम गारंटी दे रहे हैं कि ये जो काम है, चार पांच काम है, ये हम गारंटी करके आदिवासियों को दे देंगे। आखिरी बात, जिन व्यक्तियों ने
इस आंदोलन में अच्छा काम किया। जो व्यक्ति घर घर गए उन व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। ये मत सोचिए कि आप आंदोलन में नहीं गए, आप जनता के बीच में नहीं गए, आप कितने भी बड़े हो, आप ये मत सोचिए कि आपका टिकट गारंटी है। किसी का टिकट गारंटी नहीं है। अगर आप गए, आपने काम किया, आप आदिवासियों के बीच गए, आप लड़े उनके लिए और आपकी पकड़ है, तो फिर गारंटी है। मगर अगर आप ये सोचो कि मैं घर बैठूंगा, मैं सीनियर नेता हूं, मुझे कोई जाने की जरूरत नहीं, तो मैं आपका आज आपको बता रहा हूं, ये गलती मत कर दीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। फिर बाद में मत आना कि भैया मुझे टिकट चाहिए, वो फिर नहीं चलेगा। तो ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था, आप लोग हमारी शक्ति हो, आप लोग कांग्रेस पार्टी की नींव हो, इन सीटों में फाउंडेशन हो, और आप ही लोग हमें चुनाव जिताओगे। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, अगर आपने मन बना लिया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है और आप लग गए, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाएगी। जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं आने को तैयार हूं। आप जानते हो ये जो मुद्दे हैं, आदिवासियों के मुद्दे हैं, जमीन का, जल का, जंगल का मुद्दा है, ये मेरा मुद्दा है, मैं इनके लड़ा हूं। न्यामगिरी में लड़ा था, छत्तीसगढ़ में लड़ा, तो ये मेरे भी मुद्दे हैं। जहां भी आप चाहोगे मैं आने के लिए तैयार हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।